मिठाई कहाँ? देखिए जरा, मैं तो भूल ही गई मिठाई लाना। अभी मोमिन के रिश्ते के लिए जा रही तो ये हाल है, जब शादी के लिए जाओगी तो क्या होगा? अच्छा ना, अभी लेकर आती। किससे मिलना है बेटा? अस्सलाम वालेकुम जी। सर, मोमिन का घर यही है? हाँ यही है, मगर वो घर पे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अगर आप लोग बुरा ना माने तो एक सवाल कर सकता हूँ आपको? हाँ बेटा पूछो। सर, मोमिन की शादी उनकी मर्जी से हो रही है ना? इस सवाल के पूछने का मकसद सिर्फ यही था कि वो हमारे बहुत मोहतरम टीचर हैं, बहुत आइडियल है हमारे, तो इसलिए बस पूछा था कि उनकी शादी उनकी मर्जी से हो रही है ना? हाँ हाँ, उसकी मर्जी से हो रही है। थैंक यू, थैंक यू। अब आप लोगों ने कहीं जाना है तो मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, हमें पास ही जाना है। अच्छा अच्छा, ओके जी, हैव अ गुड डे। बेटा आपने अपना नाम नहीं बताया। रहने दे, मैं कल उनसे कैंपस में मिल लूंगा। थैंक यू। अरे आंसा, खाम खाम में इतना तकल्लुफ कर डाला, हम कोई गैर थोड़े ही हैं। बस आपा, ये सारी चीजें आशी ने बड़ी मोहब्बत से बनाई है, ना गैर के लिए तो कभी ना बनाती। सुबह से किचन में लगी हुई है। मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि घर के लोग हैं आप लोग, तो इतना तकल्लुफ किस लिए आपकी? अब एनी और फरी नहीं आए, आते तो कितना अच्छा होता। अरे बेटा पहले हम लोग तो बात कर लें। वो तो घर में बैठकर मुस्तकबिल के प्लान कर रही होंगी कि मोमिन की मंगनी ऐसे करेंगे, मोमिन की शादी ऐसे होगी। मोमिन की शादी? क्या मतलब मोमिन की शादी फरी के साथ मोमिन की शादी का भी राज है? हम तुम्हारे पास एक इल्तिजा लेकर आए हैं, इस मान से कि तुम इनकार नहीं करोगे।